पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ईरान की एयर स्ट्राइक और फिर इस्लामाबाद की जवाबी कार्रवाई से दोनों देशों के बीच खटास बढ़ गई। दोनों देशों के रिश्तों में आई इस तल्खी को खत्म करने के लिए अब पाकिस्तान के सुर बदले बदले। पाकिस्तान ने ईरान के साथ सभी मुद्दों पर मिलकर काम करने की इच्छा जता दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने ईरान के विदेश मंत्री को फोन तक लगा दिया और फिर अपने रवैये में नरमी भी दिखाई। ईरान और पाकिस्तान की एक तो अब टर्की जो है या टर्किया तुर्किया क्या उन्होंने नाम अपना कर दिया, तो उनकी भी एंट्री हो गई, उससे पहले चाइना भी आ गया था, तो और तरह तरह की बातें भी चल रही हैं। लोगों ने ये भी कहा कि जी शायद इलेक्शन कैंसिल कराने के लिए आगे कराने के लिए सब कुछ कराया गया, खैर उसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं, लेकिन बहरहाल हर तरह की बातें की जा रही हैं। ईरान ने ये ना किया होता तो ईरान कोई ऐसा कोई छोटा सा बच्चा सा मुन्ना सा मुल्क तो है नहीं, कहीं पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बकायदा फोन लगाकर मिन्नतें तरले की हैं, बकायदा पैर पकड़े हैं, लेकिन अब देखने वाली बात है क्या यहाँ पे ईरान रुक जाएगा, क्योंकि मुझे पर्सनली लग नहीं रहा ईरान यहाँ पर रुक जाएगा। ईरान के लिए भी अब जो है वो आत्मसम्मान की बात आ गई। आप खुद सोचिए, एक ईरान पाकिस्तान से बहुत मजबूत और अच्छा देश माना जाता है दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि पाकिस्तान जैसा देश भी इनको जो है वो पलट के वार कर दिया तो ईरान की इज्जत क्या रह जाएगी, जैसा वो एग्रेसिव देश है उनकी इज्जत क्या रह जाएगी। अब एक तरफ तो पाकिस्तान का पुराना विवाद है इसराइल से, और इसराइल के साथ साथ में जो आज पूरी दुनिया डिवाइड हो गई, पूरी दुनिया आज जो इसराइल का ब्लॉक है, अमेरिका इंडिया सब, उन सब से पाकिस्तान कटा हुआ है। अमेरिका से भले ही IMF से जो कर्जा मिल जाता है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल लेवल पे वो कटा हुआ है। साथ ही साथ में ये ईरान वाला जो पूरा ग्रुप है, चाहे हमास हो, हूती हो, सब कुछ हो, इनसे भी यदि कट जाता है तो फिर ये अकेले बेचारे होकर रह जाएंगे, अकेले पड़े पड़े तड़पे में, कोई बचाने भी नहीं आएगा। इस हफ्ते की शुरुआत में ईरान ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान को यह शक था कि उसका पुराना दुश्मन सऊदी अरब पाकिस्तान की सीमा से उस पर हमले करने वाले आतंकी संगठन जैश अल अदल आतंकी गुट को शह देता है। इस संबंध में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि हमारे मिसाइल और ड्रोन हमले से पाकिस्तान में किसी भी नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान में जैश अल अदल नाम का एक ईरानी आतंकी संगठन है। इन आतंकियों ने पाकिस्तान के सिस्तान बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में पना ली, अपने पाकिस्तान की जमीन पर सिर्फ ईरान के आतंकियों पर हमला किया। इसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। पाकिस्तान ने भी अगले दिन ईरान के कुछ इलाकों पर सटीक बमबारी की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की सूचना सामने आई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अब चीन और रूस जैसे देशों के हस्तक्षेप के बाद, अमेरिका जैसे देश के खुलकर सामने आने के बाद से दोनों देश आपस में बैठकर बातचीत करने को राजी हो गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले में रूस और चीन का दबाव कहीं ना कहीं काम आता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ही आपको पता है कि एग्रेसिव मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा असर्ट करता है, अपने होने का यकीन दिलाता है, तो वो उसकी तरफ से अभी तक बहुत सारी तरदीद आ चुकी होती कि जी हमने नहीं किया, पाकिस्तान ने खुद, जैसे कि आपको पता कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने खुद ही कर दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्योंकि वही इलेक्शन डिले कराने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई बात है। ईरान जो है वो डंके की चोट पर खड़ा है और उसने उस तरह का कोई, और फिर देखिए जब इंटरनेशनल कुवतें अगर इसमें इन्वॉल्व हो रही है, चाइना इन्वॉल्व हो रहा है, टर्की इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ऐसा कुछ हुआ है। कि पाकिस्तान चूका, पाकिस्तान को इतना बड़ा काम करने की क्या जरूरत पड़ी हुई है भाई इलेक्शन डिले कराने की, हम तो जिस तरह चाहे इलेक्शन डिले करा सकते हैं। अगर आज हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये साथ चाल है और जो हमारे मतलब करता धरता है वो आज अगर फैसला कर ले हमने इलेक्शन नहीं करना, तो उनको एक मिसाइल अपना जाया करने की क्या जरूरत पड़ी हुई है, या इस किस्म की इतनी बड़ी प्लानिंग करने की क्या जरूरत पड़ी हुई है। वह तो वैसे ही आपको पता है सारे मोहरे हैं, ये जितने सियासतदान हैं ये तो मोहरे हैं, इनको काबू करना, इनसे काम निकलवाना, इनको ट्विस्ट करके, इनको चाबी देकर अपनी मर्जी के फैसले करवाना, वो कौन सा मुश्किल काम है। देखिए यही बहुत हैरानगी की बात है, पीर के रोज ये जो अभी पीर गुजरी है, ईरान का एक वक्त पाकिस्तान आया हुआ था, जिन्होंने पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिलानी साहब उनसे मुलाकात की, जलील जो है उनसे मुलाकात की, और वो वक्त जो था उसका मकसद ही टेररिज्म के ऊपर बात करना था। यानी कि वो उनको उस वक्त को जो लीड कर रहे थे वो वहाँ के अफगानिस्तान के जो एनवॉय है ईरान में वो लीड कर रहे थे,
वो वक्त को लेकर आए थे कि हमें एक रीजनल ब्लॉक बनाना चाहिए या रीजनल कोलाबरेशन बनानी चाहिए ताकि टेररिज्म को हम डिफीट कर सके। अरे भाई आप ये सारी बातें कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान को भी कह लें कि भाई आपके जो टेररिस्ट है वो यहाँ पता नहीं उन्होंने बात की है। देखें ये भी हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान में आकर ये बात की हो, उसको मिलाया हो अफगानिस्तान के टेररिज्म के साथ जो वहां पनागाही है, और कहा हो पाकिस्तान को कि भाई आप भी इंसान के बच्चे बन जाए और आपके यहाँ से टेररिज्म जो है वो हमारे इलाके में आकर वो लोग हमले करते हैं। हो सकता है ये बात की हो लेकिन मीडिया में ये बात लीक ना की गई हो, मीडिया को ये बात बताई ना गई हो। तो ऑब्वियसली देखें एक अजीब, मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात है, 3 दिन 4 दिन पहले एक वक्त आता है और चौथे दिन आके वही उसी वक्त का मुल्क जो है वो आप पर हमला कर देता है आपको बताए बगैर, और ये बहुत सीरियस हमला था। इससे पहले होती रही है इस किस्म की कार्रवाइयां, जैसे वुड इन्फॉर्म पाकिस्तान मिसाइल कहते हैं ना, उन्होंने तो पूछा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, ना बताने की कोशिश की। अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि शायद वहां की जो उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट काम करती है ना, एक तो ईरान की अपनी आर्मी है, एक ईरान की जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है उसकी अपनी आर्मी है, वहां तो डबल डबल सिस्टम चल रहे हैं, और वो जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो तो किसी की नहीं सुनता। तो वो कहते हैं कि जी उनकी तरफ से ये कार्रवाई हुई, बाहर हुई तो ईरान की तरफ से है ना। देखिए ये मेरा नहीं ख्याल है, इसीलिए पाकिस्तान ने जिस किस्म की जा रही है एकदम डिफेंड किया है अपने आप को, और जो मैं समझती हूँ कि ये सारे जितने भी आपने स्ट्राइक्स की हवाला दिए ना, ये सब ये एक दूसरे से मिलते हुए नहीं है बिल्कुल भी। फॉर इंस्टेंस उसामा बिन लादन वाला जो है वो हम ऑन बोर्ड थे, 100% हम ऑन बोर्ड थे, हमें पता था ये होना है, वो एक मामला ख़त्म हो गया, वो पाकिस्तान ऑन बोर्ड था। रह गई बात इंडिया ने जो किया वो उसके ऊपर, इंडिया तो ये भी कहता है कि जी उरी पे उन्होंने स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब उसमें आप जैसे कहती हैं कि जी हम तो चले, मैं तो ये मानती हूँ, मैं तो पाकिस्तान की स्टेट का जो नैरेटिव है उस पर बिलीव करूंगी, और मैं कहूँगी कि यस हाँ ये बड़ी बात है कि वो आए जरूर थे, उन्होंने पाकिस्तान की स्पेस को वायोलेट किया था, लेकिन एक चीज जरूर है कि पाकिस्तान ने मुकाबला किया। पाकिस्तान को, आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान को इसके ऊपर कोई हिकमत अमली बनाने की जरूरत है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ यूनाइटेड नेशन में ये बात उठाने की जरूरत है कि जी ये इस तरह से कोई भी उठता है और हमारे मुल्क में आकर वो हमला कर देता है, और ये कहकर के जी आपके यहाँ वो टेररिस्ट मौजूद है जो हमारे मुल्क में आकर टेररिज्म करते हैं, तो इससे तो पाकिस्तान की सालमियत बिल्कुल मतलब वो कहते हैं ना बीच चौराहे में वाली बात हो गई है कि वहां खड़ी है। पाकिस्तान फोन कर करके भीख मांग रहा है ईरान से, पाकिस्तान को इतना खौफ है आज, इतने भयंकर डर में जी रहा है ये देश कि यहाँ पे बाकायदा फोन घुमा रहे हैं, बाकायदा मिन्नतें तरले कर रहे हैं, बाकायदा माफियां मांगी जा रही हैं, असलियत में पैर पड़ने वाली जो हरकतें हैं वो ये समय कर रहे हैं, और करें भी क्यों ना, आखिर अपनी इज्जत जो बचानी है। बात करी जाए यहाँ पर तो जिस स्थिति में ये फंस गए, इन्होंने अपने टशनबाजी के चक्कर में, ज़्यादा तेज अपने को दिखाने के चक्कर में, सब कुछ के चक्कर में चीज़ें तो खराब कर ली, लेकिन ये नहीं सोचा कि अभी इसका आगे का ऑप्शन क्या है। जो यहाँ इन्होंने कर डाला, जिस लहजे पर ये आ गए हैं, वहाँ से वापस जाने का ऑप्शन कुछ है भी कि नहीं है, क्या है क्या नहीं, वो चीज़ इनको अब समझ में नहीं आ रही, इनको पल्ले नहीं पड़ रहा है कि आखिर हम कुछ यहाँ से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं। जो इन्होंने टशनबाजी दिखाने के चक्कर में ना कट तो डाला, एक तरफ इनको डर है कि इंडिया ईरान की मदद कर रहा है, एक तरफ इनको डर है कि चलो मदद करे ना करे, ईरान खुद में इतना ताकतवर है कि हमारी ऐसी तैसी कर देगा, साथ ही साथ में इकोनॉमी भी कोई इतनी मजबूत नहीं है जिसकी वजह से सब कुछ हो जाएगा। जो शिया देश से हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा इसराइल से, तो इसराइल उसका पूरा का पूरा जो ब्लॉक है उससे तो पाकिस्तान की पुरानी दुश्मनी है ही, अब यदि ये ईरान वाले ब्लॉक से भी दुश्मनी ले लेगा तो फिर इनके साथ में बचेगा कौन, कोई भी इनके साथ कर रही नहीं जाएगा, हर चीज इनको आज सिर्फ और सिर्फ तबाह परेशान ही कर रही है।